टुडे टुडे इन द सब्जेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट 5 एंड वी विल गो फॉर द मिलिंग ऑपरेशन एंड टुडे वी स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिलिंग ऑपरेशन टाइप्स ऑफ द मिलिंग मशीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मिलिंग मशीन स्पेशल टाइप ऑफ द मिलिंग मशीन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द मिलिंग मशीन स्पेसिफिकेशन ऑफ द मिलिंग मशीन कटिंग पैरामीटर्स व्हाट आर द मिलिंग कटर्स व्हाट आर द मिलिंग मशीन ऑपरेशन एंड हाउ इंडेक्सिंग इज डन इन द मिलिंग मशीन व्हाट इज द इंडेक्सिंग मेथड एंड व्हाट आर द इंडेक्सिंग प्रोसीजर। तो मिलिंग मशीन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मिलिंग मशीन आपको वर्कशॉप में एक इम्पॉर्टेंट मशीन है, इसमें आपको वर्कपीस जो है फेड किया जाता है अगेंस्ट द रोटेटिंग सिलिंड्रिकल टूल, है ना? आपको जो मिलिंग ऑपरेशन है मैं आपको यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ये आपको मिलिंग ऑपरेशन है, ये आपको मिलिंग कटर लगा हुआ है और ये आपका वर्कपीस है ना। मिलिंग कटर आपको मल्टी पॉइंट कटिंग टूथ होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ द जो मिलिंग है आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। फिगर से आपको जो डिफरेंट मिलिंग ऑपरेशन है, ये आपको स्लैब मिलिंग है और ये आपको स्लॉट मिलिंग है, इसमें आपको स्लॉट काटा जाता है, ये आपको साइड मिलिंग है, इसमें साइड वर्कपीस का साइड काटा जाता है और ये आपको स्ट्रैडल मिलिंग है, इसमें दोनों साइड में आपको मिलिंग कटर आपको लगा हुआ रहता है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द मिलिंग ऑपरेशन ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। फिर मैं आपको जो मिलिंग मशीन है उसको पहले मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको मिलिंग मशीन है, ये आपको मिलिंग मशीन का फिगर मैं आपको यहां पर आपको दिखा रहा हूं। और दो तरह के मिलिंग मशीन होते हैं, कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। ये आपको कॉलम मिलिंग मशीन है, यहां पर इसमें ओवर आर्म होता है, और आपको ये नी टाइप मिलिंग मशीन है, इसमें आपको ये जो है आपको हेड लगा होता है। देखिए यहाँ का जो कटर है मिलिंग कटर है, आपको ये आपको पैरेलल है जो पार्ट्स ऑफ द मिलिंग मशीन, ये आपको मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। ये वर्कपीस है, वर्कपीस को इसमें आपको रखा जाता है और इसको फिट दिया जाता है। ये आपको कॉलम है, ये आपको मिलिंग कटर है, ये आपको आर्बर है, ये आपको ओवर आर्म है, ये आपको वर्क टेबल है और ये आपको सेडल है, ये आपको नी है, ये आपको बेस है ना। ये आपको कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। दूसरा यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, ये बेस है, ये आपको नी है, ये आपको सेडल है, ये आपको वर्क टेबल है, आपको ये मिलिंग कटर लगा हुआ है ना। तो मिलिंग मशीन कैसे फंक्शन करता है वो आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। दूसरा जो टेबल है, टेबल का तीनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में आपको एडजस्टमेंट होता है। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में वर्कपीस को मूव कर सकते हैं। तीनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में आपको टेबल का वर्कपीस को आप मूव कर सकते हैं इन द केस ऑफ द मिलिंग मशीन, है ना। तो ये आपको मिलिंग मशीन है, आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा जो आपको डिफरेंट मिलिंग आपको मशीन था, यहां पर आपको दिखाया जा रहा है स्लैब मिलिंग,
स्लॉट मिलिंग, साइड मिलिंग एंड स्टैडल मिलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फेरी फिलिंग मिलिंग आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना। दूसरा आपको जो ऑपरेशंस होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द फेस मिलिंग, एक तो फेरी फिलिंग मिलिंग होता है, पेरिफेरल में क्या था जो वर्क जो मिलिंग कटर था वो आपको परपेंडिकुलर था, और ये आपको फेस मिलिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ द फेस मिलिंग ऑपरेशन, ये आपको कन्वेंशनल फेस मिलिंग है, वर्कपीस आपको यहां पे रखा जाता है, मिलिंग कटर आपको यहां पे रखा जाता है ना, मिलिंग कटर आपको यहां पे रखा जाता है, ये आपको कन्वेंशनल फेस मिलिंग है, ये पार्शियल फेस मिलिंग है, वर्कपीस यहां पे रखा जाता है, मिलिंग मशीन यहां पे रखा जाता है, ये आपको एंड मिलिंग है, ये वर्कपीस है और ये मिलिंग कटर है, और ये आपको प्रोफाइल मिलिंग है, आपको मिलिंग कटर यहां पे रखा जाता है और ये साइड से जो है मिलिंग किया जाता है, ये आपको प्रोफाइल मिलिंग है, है ना। और ये आपको सरफेस सरफेस काउंटरिंग है, सरफेस को कॉन्टूर करता है, ये आपको मिलिंग कटर है, ये आपको सरफेस काउंटरिंग ऑपरेशन है, ये आपको पॉकेट मिलिंग है ना। तो डिफरेंट टाइप का जो मिलिंग ऑपरेशन है वो आपको यहां पर आपको क्लियर किया जा रहा है ना। ये आपको फेस मिलिंग है, और पहले जो मैंने आपको फिगर दिखाया था वो आपको पेरिफेरल मिलिंग था, है ना। और ये आपको फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन आपको दिखाया जा रहा है, फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन, फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको फिक्स्ड बेड है, और ये आपको वर्कपीस है, ये आपको आर्बर है, और ये आपको मिलिंग कटर है ना, और इसका मूवमेंट आपको ऊपर नीचे आपको होता है ना। फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, मिलिंग कटर आपको आर्बर में माउंट किया जाता है, वर्कपीस आपको फिक्स्ड बेड में वर्क टेबल में रखा जाता है, और मूवमेंट्स आपका होता है, ये आपको आपको यहां दिखाया गया है ना, फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन। प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द मिलिंग मशीन मैंने आपको सारे पार्ट्स अभी दिखाए, उसी के बारे में ये आपको स्टडी है, बेस कॉलम, कॉलम क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ द रिजिड वर्टिकल लॉन्ग बॉक्स, नी नी कैन बी एडजस्टेड ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम, सैडल सैडल मैंने आपको दिखाया, टेबल दिखाया, ओवर रेंजिंग आर्म दिखाया, आर्बर दिखाया, आर्बर इट होल्ड्स रोटेटिंग मिलिंग कटर्स रिजिडली माउंटिंग ऑन द स्पिंडल, है ना। स्पेसिफिकेशन ऑफ द मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन का स्पेसिफिकेशन कैसे करेंगे, मीन्स हाउ द साइज ऑफ द मिलिंग मशीन कैन बी डिफाइंड, इसी को स्पेसिफिकेशन ऑफ ए मिलिंग मशीन कहते हैं, साइज ऑफ द वर्क टेबल एंड इट्स मूवमेंट अलोंग द टेबल लेंथ, है ना, वर्क टेबल का क्या साइज है और टेबल विड्थ क्या है, उसके अनुसार जो स्पेसिफाई कर सकते हैं, टेबल मूवमेंट्स कितना हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेवल क्रॉस एंड वर्टिकल ये कितना हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ द फीड्स अवेलेबल, कितना फीड आपको अवेलेबल है, नंबर ऑफ द स्पिंडल स्पीड्स अवेलेबल, टोटल पावर अवेलेबल, स्पिंडल नॉच टेपर कितना है, फ्लोर स्पेस कितना रिक्वायर्ड है, और नेट वेट आपको मिलिंग मशीन का कितना है, इस पे जो है ना मिलिंग मशीन का आपको
स्पेसिफाई किया जा सकता है, ये मिलिंग मशीन का आपको स्पेसिफिकेशन है ना, ये आपको मिलिंग मशीन का आपको स्पेसिफिकेशन है। कटिंग पैरामीटर है कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड आपको इज ए पेरिफेरल मिलिंग स्पीड रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑपरेशन, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द मिलिंग कटर, वी इज द कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट, एन इज द कटर स्पीड इन रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये आपको कटिंग स्पीड है, ये आपको फिट रेट है, इट इज द रेट एट विच द वर्क पीस अंडर द प्रोसेस रिवॉल्विंग मिलिंग कटर, ये आपको फिट रेट है। दूसरा कटिंग पैरामीटर है फिट पर टूथ, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वर्क पीस बिटवीन द एंगेजमेंट बाय द टू सक्सेसिव टूथ। फिट पर रिवॉल्यूशन ट्रेवल ऑफ द वर्क पीस ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन ऑफ द मिलिंग कटर इज नॉन द फिट पर रिवॉल्यूशन, ये सारे कटिंग पैरामीटर है। फिट पर यूनिट ऑफ द टाइम, आपको फीड रेट आपको यहां पर आपको दिखाया गया, एन इज द आरपीएम ऑफ द कटर, और डिस्टेंस एडवांसेस बाय द वर्क पीस इन द यूनिट टाइम दैट इज द एएफएम, एंड एफ रिवॉल्यूशन इज द फिट पर रिवॉल्यूशन, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। डेप्थ ऑफ द कट मेजर इज द पेंट्रेशन ऑफ द कटर इनटू द वर्क पीस, ये आपको डेप्थ ऑफ द कट, जो पेनेट्रेशन होता है कटर का इनटू द वर्क पीस इन नाउन इज द डेप्थ ऑफ द कटर, है ना, ये आपको डेप्थ ऑफ द कटर आपको बताया जाता है। दूसरा मिलिंग कटर कितने टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द मिलिंग कटर, सॉलिड मिलिंग कटर, इंसर्टेड टीथ कटर एंड टिप्ड सॉलिड कटर, है ना, ये आपको आर्बर टाइप, ये आपको प्लेन मिलिंग कटर का आपको फिगर यहां पे आपको दिखाया जा रहा है, दिस इज द फिगर ऑफ द प्लेन मिलिंग कटर एंड इट्स एलिमेंट, ये आपको कटिंग एज है, ये आपको लिप एंगल है, ये आपको रिलीफ एंगल है, ये आपको प्राइमरी क्लियरेंस एंगल है, ये आपको सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल है, ये आपको लैंड है, ये आपको बैक ऑफ द टूथ है, ये आपको फेस ऑफ द टूथ है, ये आपको चीप फेस फिलेट है, ये आपको डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, ये आपको आउटसाइड डायरामीटर है, ये आपको टूथ डेप्थ है, ये आपको बॉडी ऑफ द कटर है, ये आपको प्लेन मिलिंग कटर आपको दिखाया जा रहा है, प्लेन मिलिंग कटर और इट्स एलिमेंट, ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना, प्लेन मिलिंग कटर। यहां पे मेटल स्लिटिंग सॉ आपको यहां पे दिखाया गया है, ये आपको की होल है, मेटल स्लिटिंग सॉ है। तो मिलिंग का जो ऑपरेशन है ये डिफरेंट टाइप का कटर आपको बताया जा रहा है, गियर कटर है, ये एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन है, ये जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है ये आपको एंगुलर मिलिंग कटर है, ये आपको वर्कपीस है और ये आपको एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना, एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन एंगल में वर्कपीस को कट करता है, ये आपको एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन आपको दिखाया जा रहा है। गैंग मिलिंग ऑपरेशन, इन द केस ऑफ द गैंग मिलिंग ऑपरेशन गैंग मिलिंग कटर इज देयर, वन कटर आपको यहां पर है, दूसरा कटर यहां पर है, तीसरा कटर यहां पर भी है और ये भी कटर है आपका, है ना, और ये वर्कपीस है, एक साथ कई आपको कटर एक साथ काम करेंगे तो उसको गैंग मिलिंग कटर बोलते हैं,
गैंग मिलिंग कटर जो है, सेवरल सरफेसेस ऑफ द वर्क पीस कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गैंग मिलिंग ऑपरेशन। सेवरल सरफेसेस, देखिए एक सरफेस यहां प्रोड्यूस हो रहा है, 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 एक सरफेस यहां प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये चार पांच सरफेसेस एक साथ आपको गैंग मिलिंग में आपको प्रोड्यूस हो जाता है, ये आपको गैंग मिलिंग ऑपरेशन है। ये आपको फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन, ये आपको कॉन्टूर प्रोड्यूस करता है। फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन इरेगुलर कंटिक कॉन्टूर में भी द कॉन्वेक्स, कॉनकेव और एनी अदर शेप। ये कॉन्वेक्स हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है या और भी किसी दूसरे शेप का आपको हो सकता है, ये आपको फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन है ना। किसी भी शेप का आप जो है वर्कपीस में आप उसमें सरफेस आप उसमें उस तरह का कटर करके आप उसको गेन कर सकते हैं, ये आपको फॉर्म मिलिंग कटर है ना। ये प्रोफाइल मिलिंग कटर है, प्रोफाइल कट करता है ना। देखिए यहां पे आपको ट्रेसर दिया हुआ है, ये प्रोफाइल मिलिंग कटर है, ये आपको ट्रेसर दिया हुआ है। और यहां जैसे जैसे मूव करेगा उसी तरह यहां भी सरफेस आपको कट करेगा, है ना। ये प्रोफाइल मिलिंग ऑपरेशन। ये एंड मिलिंग ऑपरेशन है, एंड मिलिंग ऑपरेशन, ये आपको मिलिंग कटर है। एंड मिलिंग ऑपरेशन में आपको ब्लाइंड होल प्रोड्यूस होता है, ये आपको वर्कपीस है, ये आपको मिलिंग कटर है और ये आपको एंड मिलिंग ऑपरेशन आपको यहां पे आपको दिखाया गया है। एंड मिलिंग ऑपरेशन आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। सॉ मिलिंग ऑपरेशन, ये आपको मिलिंग कटर है, ये आपको वर्कपीस है और यहां पर कटिंग कर रहा है। सॉ, जिस तरह सॉ का कटिंग होता है, वर्कपीस को जो है कट कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पार्टिंग ऑफ कर रहा है, अलग कर रहा है, वर्कपीस को अलग कर रहा है, पार्टिंग ऑफ कर रहा है। तो वर्कपीस जो है टी स्लॉट के बीच में रखा जाता है, टी स्लॉट के ऊपर रखा जाता है और मिलिंग कटर से आपको पार्टिंग ऑफ किया जाता है, ये आपको सॉ मिलिंग ऑपरेशन है ना। ये आपको सॉ मिलिंग ऑपरेशन आपको दिखा दिया है। ये आपको स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन है, स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन, स्लॉट कट करता है। ये जो ना टी स्लॉट मिलिंग कटर, देखिए वर्कपीस में टी स्लॉट कैसे कट करते हैं। टी स्लॉट आपने कई जगह देखा होगा, साइडवेज में, गाइडवेज में, और टी स्लॉट मिलिंग कटर से कैसे कट करते हैं। ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन। स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन कैसे होता है, मिलिंग कटर से वर्कपीस में दो स्लॉट आपका ऑलरेडी कटा हुआ है और तीसरा स्लॉट आपको कट हो रहा है, तो ये आपको स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। ये आपको गियर कटिंग ऑपरेशन है, मिलिंग मशीन में गियर कट करते हैं, है ना। मिलिंग मशीन में गियर कट करते हैं, ये आपको गियर ब्लैंक है और ये आपको मिलिंग कटर है ना। एक टूथ कट किया,
फिर इसको इंडेक्सिंग कर दिया, फिर दूसरा टूथ कट करेगा, फिर इसको इंडेक्सिंग कर दिया, तीसरा टूथ कट करेगा। ये आपको गियर कटिंग ऑपरेशन आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है मिलिंग मशीन का। मिलिंग मशीन का गियर ब्लैंक नीचे है आपको, और ये आपको मिलिंग कटर है। दो व्यू आपको दिखाया जा रहा है मिलिंग कटर का। ये आपको यहां पर गियर कट कर रहा है। पहले यहां पर ये टूथ आपको कट कर देगा, फिर इसके बाद इंडेक्सिंग कर देंगे, फिर ये टूथ कट करेगा, फिर इसको इंडेक्सिंग करेगा, फिर तीसरा टीथ कट करेगा, फिर इसी तरह जो है आपको चौथा टीथ, पांचवा टीथ आपको कट करता जाएगा, है ना। तो जो गियर कटिंग ऑपरेशन मिलिंग मशीन में होता है आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग मैकेनिज्म गियर कटिंग के लिए आपको होता है, इंडेक्सिंग किया जाता है। तो यहां पर आपको जो इंडेक्सिंग मैकेनिज्म है, आपको इंडेक्सिंग मैकेनिज्म का प्रिंसिपल आपको समझाया जा रहा है। ये देखिए वर्कपीस है, जो गियर ब्लैंक है यही है वर्कपीस, और ये स्प्रिंग लोडेड पिन है, ये आपको इंडेक्सिंग क्रैंक है, ये आपको इंडेक्सिंग प्लेट है, ये आपको ड्रिवन गियर है, ये आपको चेंज गियर है, और ये आपको वॉर्म व्हील है, ये आपको स्पिंडल है। तो स्प्रिंग लोडेड पिन ये इंडेक्सिंग क्रैंक है, इसी को इंडेक्सिंग क्रैंक को मूव करते हैं। एक एक टीथ जब कट हो जाएगा ना, तो इंडेक्सिंग क्रैंक को मूव कर दिया, एक होल में मूव कर दिया, वो स्प्रिंग लोडेड पिन से एक होल मूव कर दिया। एक होल जैसे ही मूव किया तो वहां आपका जो वर्कपीस है ना, वर्क एरियर है आपको, ये जो है आपको एक राउंड आपको घूम जाएगा। ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडेक्सिंग मैकेनिज्म ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। स्प्रिंग लोडेड पिन को यहां से हटाएंगे, और यहां पे होल बना हुआ होता है इंडेक्सिंग प्लेट में, आपको होल बना हुआ होता है, एक होल, कई होल्स बने होते हैं उसमें। तो होल्स को शिफ्ट करेंगे, होल्स को जैसे शिफ्ट करेंगे तो आपको वर्क कैरियर को आपको एक राउंड आपको मूव कर देगा, और यही मैकेनिज्म आपको यहां पर आपको दिखाया हुआ है। तो ये आपको इंडेक्सिंग मैकेनिज्म आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना। और इंडेक्सिंग जो होता है आपको चार तरह से होता है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग, कंपाउंड इंडेक्सिंग एंड डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, है ना। इंडेक्सिंग तो इंडेक्सिंग का फॉर्मूला, सिंपल इंडेक्सिंग में आप नंबर ऑफ होल्स टू बी पिन टू बी मेड 24/n, 24 पार्ट्स होता है और n इक्वल टू 6 होता है, तो नंबर ऑफ होल्स 4 होल्स दैट इज आफ्टर कंप्लीटिंग वन पेयर ऑफ द मिलिंग, ये आपको डायरेक्ट इंडेक्सिंग है ना, ये डायरेक्ट आपको इंडेक्सिंग। इट इज नॉन एज द रैपिड इंडेक्सिंग, डायरेक्ट इंडेक्सिंग प्लेस्ड इज यूज्ड विच हैज द 24 इक्वली स्पेस्ड होल इन ए सर्किल, एक सर्किल में आपको 24 इक्वली स्पेस्ड होल्स आपको बना हुआ है। दीज ऑल नंबर्स आर फैक्टर ऑफ द 24, 24 होल्स बने होते हैं। और इफ यू वॉन्ट टू डिवाइड द सर्फेस इंटू 6 पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ होल्स, देन 6 पार्ट
कि होल से डिवाइड कर देंगे, फोर होल्स दैट इज आफ्टर कंप्लीटिंग वन पेयर ऑफ द मिलिंग वर्क पीस। ये आपको डायरेक्ट इंडेक्सिंग का आपको फॉर्मूला बता रहा है। सिंपल इंडेक्सिंग में इंडेक्सिंग का जो मैकेनिज्म है 40/N यहां पर आपको दिखाया गया है ना। तो इंडेक्सिंग वो प्लेट रहने के बाद वो आपको क्लियर समझ में आता है। ये होल आपको यहां पर दिखाया गया है, इंडेक्सिंग का होल रहने पे आपको क्लियर होगा। जब तक प्लेट सामने आपका नहीं रहेगा इंडेक्सिंग मैकेनिज्म आपको क्लियर नहीं होगा। व्हाट इज द इंडेक्सिंग मैकेनिज्म? जब तक प्लेट का होल सामने नहीं रहेगा आपको इंडेक्सिंग मैकेनिज्म आपको वो क्लियर नहीं होगा। तो इंडेक्सिंग मैकेनिज्म आपको यही है। और जितने तरह के मिलिंग ऑपरेशन थे आपको ये आपको गियर कटिंग ऑपरेशन है मिलिंग मशीन का, है ना। ये आपको गियर कटिंग ऑपरेशन, गियर कटिंग के लिए मिलिंग मशीन का यूज किया जाता है। और गियर ब्लैंक आपको नीचे रखा जाता है, फिर मिलिंग कटर से आपको कट किया जाता है। एक टूथ कट करने के बाद दूसरा टूथ को इंगेज कर दिया जाता है, फिर तीसरे टूथ को आपको इंगेज कर दिया जाता है, है ना। तो मिलिंग मशीन एक इंपॉर्टेंट मशीन है। इसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आपको यूज होता है और ये अपने टाइप अपने तरह का स्पेशल मशीन है। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जो आपको कई तरह के जो ऑपरेशंस मैंने आपको दिखाया, फेस मिलिंग ऑपरेशन दिखाया, वो आपको फेस का जब मिलिंग करना है, सरफेस को आपको मिलिंग करना है, तो आप मिलिंग मशीन में ही कर सकते हैं। दूसरा अल्टरनेट नहीं है, दूसरा कोई मशीन नहीं है, है ना सर। एक चीज दोबारा बता देना, ये मिलिंग होता क्या है, ये प्रोसेस होता क्या है मिलिंग? अच्छा मिलिंग, हाँ आप लेट आए ना इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। देखिए ये आपको, आपको आपको ये मिलिंग कटर आपको दिखाया जा रहा है ना। ये प्लेन नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ मिलिंग होता क्या है सर। हाँ वही मैं आपको आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको प्लेन मिलिंग कटर है, ये जो प्लेन मिलिंग कटर है मल्टी पॉइंट कटिंग टूथ आप देख रहे हैं, है ना। इसके सारे एलिमेंट आपको सर, मिलिंग समझूंगा तब तो मिलिंग कटर समझूंगा सर। पहले आप मिलिंग कटर तो समझिए, मिलिंग कटर होता क्या है। ये आपको मिलिंग कटर हो गया और फिर आपको मिलिंग ऑपरेशन मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे पार्ट्स हैं, एक टाइप का मिलिंग ऑपरेशन है। ये देखिए मिलिंग मशीन है, कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन, है ना। ये जो मैंने आपको मिलिंग कटर दिखा रहा था ना, यही आपको मिलिंग कटर है, ये आपको मिलिंग कटर है, है ना। ये आपको बेस है। मिलिंग सर, मिलिंग प्रोसेस होता क्या है सर? मिलिंग प्रोसेस होता क्या है? मैं मिलिंग प्रोसेस में, अच्छा आप डिफिनेशन पूछ रहे, डिफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। डिफिनेशन द वर्कपीस इज फेड अगेंस्ट द रोटेटिंग सिलिंड्रिकल टूल। जो मिलिंग ऑपरेशन है उसमें वर्कपीस को रोटेटिंग सिलिंड्रिकल टूल के अगेंस्ट में फेड किया जाता है ना। जो आपका वर्कपीस है, वर्कपीस को रोटेटिंग सिलिंडर, ये तो सर मिलिंग ऑपरेशन हो गया सर। हाँ मिलिंग ऑपरेशन हो गया। हाँ मैं मिलिंग पूछ रहा हूँ सर, मिलिंग होता क्या है? सबसे पहले तो ये पूछना था मुझे, मिलिंग होता क्या है, ये चीज मैं समझ नहीं रहा हूँ। मिलिंग होता क्या है, उसके बाद उसके ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे ना। मिलिंग ही क्या होता है ये सबसे पहले पूछना। एक मिनट, मिलिंग मतलब, मिलिंग का मतलब क्या है? बिल्कुल सर। अच्छा मिलिंग मशीन तो ये तो बोलते हैं, मिल मतलब का जो आपको, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि जो मिल का मतलब क्या होता है, यही कह रहे हैं ना।
जी बिल्कुल, ये मीलिंग होता क्या है, मैं ये पूछ हाँ, आप जो मील का जो है आपको जो फोर्स लगाते हैं, पावर ट्रांसमिट करते हैं, उसको मील वर्ड अब आपको बोला जाता है। पावर ट्रांसमिशन का जो वर्ड है वो आपको, फोर्स लगाने का जो वर्ड है वो आपको मील कहा जाता है ना। जो आपको फोर्स लगाते हैं, मिलिंग ऑपरेशन, आप वर्ड का पूछ रहे हैं, मिलिंग का क्या क्या माने होगा। ये मिलिंग वर्ड आपको मील वर्ड से बना हुआ है, मील वेयर द पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए मोटर, उसको मील बोलते हैं, और उससे जो ऑपरेशन होता है उसको मिलिंग बोलते हैं, है ना। तो यहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेरिफेरल मिलिंग आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। ये फिगर देखिए, अरे सर, ये मिलिंग प्रोसेस होता क्या है, ये कहाँ यूज होता है, हम क्यों यूज करते हैं इसका, मिलिंग प्रोसेस में हम करते क्या है? हाँ वही तो आपको दिखाया जा रहा है। जो नीचे देखिए वर्कपीस है ना, वर्कपीस के सरफेस को प्लेन करना है, फिनिश करना है। आपने कास्टिंग से जो है जॉब निकाला है ना, क्वेश्चन आप बहुत अच्छा करते हैं। कास्टिंग से आपने जॉब निकाला है ना, तो कास्टिंग में आपको सैंड आपको लगा हुआ रहेगा और सरफेस आपको फिनिश नहीं रहेगा। बात आई समझ में? तो आपको मिलिंग करके आपको ऊपर का जो सरफेस है वो आप फिनिश करेंगे, सरफेस को फिनिश करेंगे। तो सर, सर सरफेस फिनिशिंग के लिए तो सरफेस फिनिशिंग मशीन भी आती है सर, सरफेस वाली, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। तो हम मिलिंग का यूज क्यों करते हैं, उसका नहीं, यूज क्यों नहीं सरफेस करते? फिनिशिंग का अभी लेक्चर मैं लूंगा, वो अभी सरफेस फिनिशिंग में कौन कौन सा मशीन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं तो नहीं मैं ये उसमें पूछना चाह रहा हूँ इतना ज्यादा कि मेटल आपको रिमूव नहीं करेगा, जो कास्टिंग का जो डायरेक्ट जो कास्ट प्रोडक्ट है ना, कास्ट प्रोडक्ट को डायरेक्ट सैंड कास्टिंग करके जो सैंड कास्टिंग से बनता है, तो वो प्रोडक्ट आप जो है नहीं कर सकते सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन में। उसमें सरफेस ही तो फिनिश करेंगे, तो वो सरफेस स्मूथ के लिए है। आपको यहां पर जैसे स्लॉट काटना है, ये स्लॉट काटना है, तो आप कैसे कट करेंगे? दूसरा कोई रास्ता नहीं है मिलिंग मशीन के अलावा। स्लॉट कटिंग करने के लिए आपको मिलिंग मशीन सर, पे एक चीज आपको जाना पूछना पड़ेगा। था सर, MNTR जो होता है, ये तो मिलिंग ही हुआ ना? क्या चीज MNTR मशीन जो होता है, स्लॉटिंग के लिए MNTR, यूज होता है, स्लॉटिंग के MNTR, लिए यूज करते हैं सर। हाँ, स्लॉटिंग के लिए यूज करते हैं ज्यादा। MNTR तो क्या फुल फॉर्म बताया आपने? नहीं, MNTR का फुल फॉर्म तो नहीं सर, मैं इंडस्ट्रियल में बस MNTR बोलते हैं तो मुझे यही पता है, मैंने तो पढ़ा नहीं, इसलिए पूछता हूँ आपसे बहुत सारी चीजें। तो MNTR बोलते हैं सारे हमारे वर्कर जो थे वहाँ के, तो वो सब MNTR बोलते थे इसको। मैंने भी वही सीखा, मैं तो वही सीखूंगा ना जो वहाँ पे बातचीत के हाँ, भाषा में इसमें यूज देखिए करेंगे। मिलिंग में क्या होता है ना, देखिए आपको इसमें जो आपको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, इसको मिलिंग कटर बोलते हैं, है ना। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो है आपको, ये आपको मिलिंग कटर है, ये मल्टी पॉइंट इसमें कटिंग टूल सर है। एक चीज सर पूछ लेता हूँ सर, मिलिंग मशीन में हम क्या सब ऑपरेशन कर सकते हैं? जैसे ये आपका सरफेस ग्राइंडिंग हो गया फिनिश करने के लिए, हाँ, और ये स्लॉट बनाना है, कास्टिंग, ठीक है, स्लॉटिंग हो गया, और और साइड सरफेस फिनिश करनी है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, स्ट्रेडल मिलिंग करना है, और भी ओके ऑप्शंस में आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। जो है ये जो है, आप दूसरे ऑपरेशन में नहीं कर सकते, है ना। ये पार्शियल फेस मिलिंग है, पॉकेट मिलिंग है, ये सरफेस कंटूरिंग है, ये आपको प्रोफाइल मिलिंग है ना, ये आपको एंड मिलिंग है। तो ये दूसरे, ये सब तो मैंने देखा ही हुआ है सर। ये प्रोफाइल मिलिंग सब जो है, तो वो तो MNTR पे ही हो जाता है, तो मतलब वो भी मिलिंग का ही, मिलिंग ही मशीन है हाँ, ये। प्रोफाइल मिलिंग जो मैंने देखा हुआ है, मैं ये सब चीजें होता है उसमें, टी स्लॉट तो वगैरह ये सारे, सारे स्टॉपेज जो वगैरह सारे। ऑपरेशंस हैं वो आपको मिलिंग मशीन में ही संभव है, क्योंकि ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ये आपको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो ये सारे ऑपरेशंस आपको जो आपको दिखाया जा रहा है वो आपको मिलिंग में ही समझाओ संभव है। एक मिनट मैं अटेंडेंस ले लूं, क्योंकि फिर नहीं तो टाइम निकल जाएगा, पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। ठीक है।
अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट, जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट, मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, निधिक जी, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, साक्या जी 18 इज प्रेजेंट, तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट, है ना। तो जो जो प्रेजेंट है मैं उनका नाम फिर से बोल देता हूं, तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट, साक्या जी 18 इज प्रेजेंट, निधिक जी इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, मोहित अदाना जी प्रेजेंट, जतिन आर्या जी इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी प्रेजेंट, अमन सिंह जी इज प्रेजेंट। देखिए मिलिंग मशीन में ये जो आपको ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है और ये मिलिंग कटर से ये एक साथ पूरा वर्कपीस का आपको सरफेस आपको प्लेन हो जाता है, है ना, है ना। तो ये आपको फेस मिलिंग है, फेस को आपको मिलिंग करता है, ये सारे दिखा रहा है आपको, फेस मिलिंग ऑपरेशन आपको दिखा रहा है, आपको प्रोफाइल मिलिंग दिखा रहा है। तो ये आपको स्पेशल टाइप का ऑपरेशन है जो कि दूसरे मशीन में आपको संभव नहीं है, दूसरे किसी मशीन में जो है वो आपको संभव नहीं है, ये आपको मिलिंग कटर से ही मिलिंग मशीन में आपको आपको संभव है, है ना। तो ये आपको फेस मिलिंग आपको दिखाया जा रहा है। दूसरा इसमें आपको कई तरह का जो मिलिंग ऑपरेशन है, जैसे फिक्स ब्लेड टाइप, यहां पर आपको दिखाया गया ये आपको मिलिंग मशीन है, यहां पर आपको मिलिंग कटर लगा हुआ है, यहां पे आपको वर्कपीस है, ये आपको आर्बर है, आर्बर में मिलिंग कटर फिक्स किया जाता है, इसका मूवमेंट ऊपर नीचे होता है, इसका मूवमेंट ऊपर नीचे होता है, और ये वर्कपीस को मिलिंग कटर से आपको ऑपरेट किया जाता है ना। मिलिंग मशीन में आपको ये सारे पार्ट्स के नाम है यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, और ये आपको मिलिंग कटर आपको यहां पर आपको दिखाया गया था, ये मेटल स्लेटिंग सॉ दिखाया गया था आपको, जो मिलिंग कटर है आपको इसी तरह का आपको रहता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ द जो मिलिंग ऑपरेशन है वो आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, जैसे एंगल में कट करना है, एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन आपको इसको कहते हैं, आपको वर्कपीस को में अगर एंगल बनाना है वर्क टेबल में, तो एंगुलर मिलिंग कटर आप यूज करके आप एंगल बना सकते हैं, भी ब्लॉक बना सकते हैं, भी ब्लॉक देखिए यहां पर आपको आसानी से बन जाएगा, भी ब्लॉक बनाना है आपको एंगल में, किसी भी एंगल में, जिस एंगल में आपको आपको मिलिंग कटर है, एंगुलर मिलिंग कटर है, वहां पे आपको बन जाएगा, ये एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन है। इस तरह का जो भी ब्लॉक का कटिंग है वो आपको दूसरे मशीन में आपको संभव नहीं है, ये आपको गैंग मिलिंग है, कई मिलिंग कटर आपको यहां पे लगे हुए हैं, है ना। गैंग मिलिंग कटर में एक कटर यहां पे लगा हुआ है, एक कटर यहां पे लगा हुआ है, एक कटर यहां पे लगा हुआ है, एक कटर यहां भी लगा हुआ है, एक कटर यहां लगा हुआ है, कई सरफेसेस, एक सरफेस यहां, दो तीन चार पांच सरफेसेस एक साथ, तो आपको फिनिश हो जा रहा है। तो ये गैंग मिलिंग कटर है, ये आपको वर्कपीस है, एक साथ कई वर्क पे, जहां पे मास प्रोडक्शन होता है ना, मास प्रोडक्शन टोयोटा वगैरह में ये सब जो है ज्यादा यूज होता है, जहां पे कोई पार्ट्स को मास प्रोडक्शन करना है, लगातार करते जाना है, तो वो आपको मिलिंग कटर उस तरह का बना दिया, और वहां पर फिर जो है कई वर्कपीस आपको निकालते चला